लोकेश जी ठाकुर, आपको बता दूं कि प्रेस ग्रुप के 10 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट हुए हैं, जिसको लेकर एक पार्टी का आयोजन किया गया था गाजियाबाद पे। यहाँ पर सभी पत्रकार इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर लेकर रखे। साथ ही जो प्रेस ग्रुप का एडमिन थे अनिल व्यास जी, उनको बधाइयाँ दी, साथ में केक काटा गया। साथ ही यहाँ पर जो जिले से पत्रकार आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर एक सेव भोज भी किया। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने पत्रकारों की राय जानना चाहिए प्रेस ग्रुप को लेकर, उसकी पूरी बातचीत की। तो उन पत्रकारों का क्या कहना था, यह हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। पत्रकारों के लिए व्हाट्सएप पर एक प्रेस ग्रुप की स्थापना आज से 10 साल पहले की गई थी और इसका उद्देश्य यह था कि पत्रकार अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान इस ग्रुप के माध्यम से करते रहें। लेकिन कालांतर में यह ग्रुप बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ और कल्पनातीत ऐसे कार्य हुए जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और इन सब का श्रेय जाता है उस ग्रुप के रचयिता जी हाँ आनंद व्यास जी को। व्यास जी बेहद उत्साहपूर्ण वातावरण में 10 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन किया गया, क्या कहेंगे किस तरह से रूपरेखा बनी और क्या उद्देश्य था इस ग्रुप को बनाने के पीछे? दरअसल क्या है कि पत्रकारों को सूचनाएं बहुत कम मिल पाती थी, इसलिए जैसे ही ये व्हाट्सएप चलन में आया तो उसका दुरुपयोग हमने देखा, तो हमने कहा क्यों ना इसका अपन सदुपयोग करें। यही सोच के 5 मई 2014 को हमने एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया प्रेस ग्रुप, जिसका मेन मकसद था पत्रकार साथियों को समाचारों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हमने उसके द्वारा केवल उसमें पत्रकार साथियों को सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, मगर अभी कुछ दिन बाद देखा कि कोरोना काल आया जिसमें अपने 6 पत्रकार साथी असमय काल के गाल में समा गए, तो अब ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार के साथ संकट खड़ा हो गया, क्या करें। तो हमारे पत्रकार साथी हैं सम्माननीय श्री आनंद लोढ़ा जी, उनसे और कुछ साथियों से हमने आपस में विचार विमर्श करके पत्रकार ग्रुप के माध्यम से ही एक पहल चलाई, जिसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी कॉलोनाइजर पत्रकार इनसे मिलकर एक राशि हमने एकत्रित करी। उस राशि को एकत्रित करके घर जा जाकर 6 दिवंगत साथियों को हमने करीब 9 लाख की आर्थिक सहायता प्रेस ग्रुप के माध्यम से ही आनंद लोढ़ा जी के सहयोग से, विकास दीक्षित जी, प्रवीण मिश्रा जी, महेंद्र किरात जी, ऐसे भी और अन्य साथी नंदकिशोर कुशवाहा जी, ऐसे अन्य साथियों के सबके सहयोग से हमने वो आर्थिक सहायता एकत्र करके घर घर जाकर उनको दी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक पत्रकार साथी थे डंपी खान, वो भी असमय जवानी में अपने परिवार को छोड़ गए, उनके छोटी छोटी बच्ची हैं, बच्चे हैं, तो फिर वही स्थिति बनी अब क्या किया जाए। तो फिर हमने राशि दोबारा आनंद लोढ़ा जी के माध्यम से ही पूरी पहल उन्होंने की, सारा धन भी उन्होंने ही एकत्रित किया। उसके बाद फिर हमने 2,06,000 रुपए एकत्रित करके वो डंपी भाई के परिवारों को दिया। अब आगे उसमें रूपरेखा चल रही है कि प्रेस ग्रुप के माध्यम से ही आनंद लोढ़ा जी के सहयोग से कुछ जो गरीब निर्धन बच्ची हैं उनके विवाह भी हों, जो पत्रकार साथी हैं अपनी बच्चियों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ उसमें मदद, ऐसी पहल उसमें आगे हमारे विचार चल रहा है, अब देखें ऊपर जैसा भी। हालांकि ये एक ग्रुप में करीब 200 पत्रकार साथी जुड़े हैं, उसके माध्यम से ग्रुप ने ही एक ऐसा काम कर दिया है जो प्रदेश स्तर पर अभी तक कहीं नहीं हुआ है। बिल्कुल प्रदेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि संभवतः ये देश के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इस तरह की जो भावना लेकर इस ग्रुप का निर्माण किया गया था और जिस तरह के नवाचार इसमें हुए हैं पत्रकारों के हित में, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पत्रकार साथी, जैसा कि व्यास जी ने बताया, 200 पत्रकार इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और सभी के सभी बेहद समर्पित हैं इस ग्रुप के लिए, और इस ग्रुप को एक सामाजिक सरोकार का, पत्रकारों के हित में उसका उपयोग करने का एक जरिया भी बना लिया है। तो 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जहां पर सभी पत्रकार साथी उपस्थित हुए, सबने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और इसका खास आयोजन जो था उसमें ये 2 हमारे पत्रकार साथी, एक तो थे मोहन बघेल जी और दूसरे प्रदीप चंदेल जो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं,
चंदेल जी, 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप लोगों ने पत्रकारों का सम्मेलन आयोजित किया, सभी को साहब होश कराया और सभी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक वातावरण में यहाँ पर वार्तालाप किया, कैसे ये ख्याल आया आपके मन में? जी बता दूं आपके लिए, प्रेस ग्रुप के माध्यम से हमारे आनंदी ब्यास जो कि उसके ग्रुप के एडमिन है, उन्होंने एक मैसेज डाला, प्रेस ग्रुप को 10 वर्ष पूर्ण होने की आप सभी को बधाई। तो और पत्रकार साथियों ने उसमें कमेंट्स में कर दिया, पार्टी बनती है, आप कहीं पर भी कोई कार्यक्रम करिए, तो कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनी। तो जिसमें हम दो पत्रकार साथी ने हमारी आपस में चर्चा हुई, मोहन बघेल जी और मेरी, तो मैंने कहा अगर अपन किसी से ना कुछ लेकर के अपने तरफ से ही सभी पत्रकार साथियों को बुला करके अपने तरफ से कुछ किया जाए, जो दाल बाटी का कार्यक्रम किया जाए और सभी पत्रकार साथियों का मिलन समारोह भी हो जाएगा, सभी से वार्तालाप भी हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। तो हम उन्होंने भी सहमति दे दी और हमने आनंद जी से पूछ करके उसके बाद हमने कार्यक्रम की रूपरेखा जमाई और सभी पत्रकार साथी गादेर पर उपस्थित हुए और गादेर पर सभी ने सहभोज किया, दाल बाटी का आनंद लिया और नारद श्री नारद जयंती का भी वहाँ पर मनाया गया। तो सभी पत्रकार साथियों की आपस में चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा, सभी पत्रकार साथी कभी कभार एकत्रित होते हैं, नहीं तो अपने अपने संस्थानों में काम में बिजी रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहां पर पत्रकार साथी सभी एकत्रित हुए। बिल्कुल, नारद जयंती का भी वहां पर आयोजन हुआ और सभी एकत्रित हुए, सभी ने सहभोज किया और बड़े ही आनंद पूर्वक वातावरण पत्रकारों ने आपस में चर्चाएं की। क्या आगे भी इस तरह का कोई और आयोजन जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, अगर पत्रकार सभी पत्रकारों की एकजुटता ऐसी रही और हमारे प्रेस ग्रुप के एडमिन सभी को समेट कर एक माला में प्रोकर चलते रहे तो बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। और आनंद जी ब्यास हमारे वरिष्ठ हैं जिन्होंने प्रेरणा देते रहते हैं प्रेस ग्रुप में, प्रेस ग्रुप के माध्यम से अच्छे कार्य होते हैं और प्रेस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पूरे पत्रकार फॉलो रहते हैं, सबसे मतलब अपने मोबाइल में सबसे ऊपर उस ग्रुप को रखते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सर्वप्रथम प्रेस ग्रुप को देखते हैं खोलकर, तो हर खबर उठाना, किसी की बात किसी तक पहुंचाना, तो ये हमारा प्रेस ग्रुप बहुत अच्छे कार्य करता है। और अब आनंद जी से ही कहूंगा कि आप भी क्या कहना चाहेंगे अब आखिर में? मैं बताना चाहूंगा आप कि एक और ऐतिहासिक कदम गुना जिले में होने जा रहा है जिसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, भूमि पूजन भी हो गया और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। श्री आनंद जी लोढ़ा जी द्वारा उनके माता पिता की स्मृति में गुना में पत्रकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। अब तक अभी तक देखने में आता था कि सारी जगह पत्रकारों का भवन था, मगर गुना जिले में ऐसा कोई नहीं था जहाँ पत्रकार एकत्रित हो सके। तो ग्रुप के माध्यम से अपन ग्रुप पे तो एकत्रित हो जाते थे मगर कहीं बैठने उनको मिलने कहीं कोई जगह नहीं थी, तो उनके माध्यम से एक विशाल पत्रकार भवन भी अब पत्रकारों को मिलने जा रहा है जो कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। यहाँ बैठकर सारे पत्रकार आपसी अपने विचार विमर्श, खबरों का आदान प्रदान, खबरों को लेकर बैठक, सारे काम अब कुछ ही समय बाद अपने प्रेस ग्रुप के प्रेस पत्रकार भवन से होने लगेंगे, जिसमें सब में ज्यादा योगदान श्री आनंद लोढ़ा जी का है। उन्होंने ही भूमि दान दी है, 5 लाख रुपए भी उन्होंने दिए, निर्माण कार्य भी उन्हीं के द्वारा उसमें वहाँ शुरू किया जा रहा है। तो कुछ ही समय बाद अब पत्रकारों को एक छत भी पत्रकार भवन के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल, पत्रकारों के लिए हमेशा हित चिंतक की भूमिका में सामने आने वाले आनंद सिंह लोढ़ा ने ये अविस्मरणीय कार्य किया है। मैं आपको बता दूं करीब 70 साल से गुना शहर में पत्रकारों द्वारा पत्रकार भवन की मांग की जाती रही है और आखिरकार प्रशासनिक और सत्ता पक्ष स्तर पर भी कई बार प्रयास करने के बावजूद ये मांग पूरी नहीं हो पा रही थी और अब कहीं ना कहीं उनके निजी प्रयासों से यह पत्रकारों का सपना सार्थक होने जा रहा है। तो सभी पत्रकार समाज इस वक्त पूरा पत्रकार परिवार जिसमें 200 से अधिक पत्रकार जन शामिल हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक बड़ा परिवार है और ये सभी लोगों की उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। पत्रकार भवन का निर्माण शीघ्र होने वाला है, इन सभी लोगों ने आनंद सिंह जी की सराहना की है, निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। इसी तरह से शहर के पत्रकारों के द्वारा रचनात्मक कार्य आगे भी किए जाते रहेंगे। प्रेस ग्रुप की
स्थापना जिस तरह से की गई थी उसके पीछे भी यही सोच रही थी कि पत्रकारों को एक मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, भले ही सोशल मीडिया पर ही क्यों ना मिले, कम से कम पत्रकार अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकें। और कहीं ना कहीं इन 10 सालों में ये बात अब प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो चुकी है। आने वाले 10 सालों में भी हम चाहेंगे कि यह ग्रुप और यह विचार आगे बढ़ता रहे। पत्रकारों को जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये प्लेटफॉर्म मिला है, सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। यहाँ पर प्रेस ग्रुप से जुड़े हुए तमाम सारे पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आप प्रेस ग्रुप की उपयोगिता? प्रेस ग्रुप एक ग्रुप नहीं है, उसे आप एक मीडिया संस्थान कह सकते हैं। और शहर के लोगों के लिए भी एक जगह सभी पत्रकार वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जैसे किसी को किसी प्रकार की सूचना मीडिया में जारी करना है तो वह प्रेस ग्रुप के माध्यम से सभी पत्रकारों तक पहुंचा सकता है। और लोगों के लिए तो है ही वह फायदेमंद, लेकिन पत्रकारों के लिए ज़्यादातर है, क्योंकि उसमें खबरों के अलावा एक आपसी समन्वय, एक अपनत्व का भाव, किसी के सुख दुख में साथ देना। जैसे कि अभी पूर्व में अपने कुछ पत्रकार साथी हमें हमारे बीच में नहीं रहे, एक प्रेस ग्रुप ही एक ऐसा माध्यम बना जिससे उन पत्रकार साथियों के परिवारों की मदद हो सकी, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो जीवन यापन के लिए जो भी सहयोग पत्रकार बंधु कर सकते थे वह प्रेस ग्रुप के माध्यम से ही करी उन्होंने। और अभी रिसेंटली 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया के ग्रुप आपने देखे होंगे वह बनते रोज हैं और रोज ही बिगड़ते हैं, लेकिन प्रेस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि वह 10 वर्ष से निरंतर जारी है। और न सिर्फ ग्रुप है बल्कि अनुशासन अगर देखें आप उसमें तो इतना अनुशासन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ खबरों के विषय में ही बातचीत की जाती है। बिल्कुल, और यही सवाल आपसे भी, किस जो सवाल विक्की छारी जी से किया है वही सवाल आपसे भी, कितना उपयोगी मानते हैं प्रेस ग्रुप को? प्रेस ग्रुप बहुत अच्छा सब पत्रकारों के निखर के आया और सब इसमें जुड़ना भी चाहते थे। जब किसी नया कोई पत्रकार बनता है तो वो इसको सोचता था कि कब मैं इससे जुड़ूं और गुना जिले के जो भी गतिविधियाँ हैं मैं मेरे पास कैसे पहुँचूँ और मैं लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ वो गतिविधियाँ। बिल्कुल, गतिविधियाँ पहुँचाने का माध्यम बन गया है। नीरज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गुना जिले के बड़े मुद्दे होते हैं बुद्धिजीवी लोग उस पर अपने मुद्दे रखते हैं और कहीं ना कहीं उन पर विचार विमर्श करके गुना जिले के जो मुद्दे उठाए गए हैं वाकई काबिले तारीफ हैं। और जिस तरह से लगातार 10 वर्षों से ये काम कर रहा है ये ग्रुप अपने आप में अनोखा है और सभी लोग एकजुट होकर एकता का परिचय यहाँ पर देते हैं, तो गुना का जो ग्रुप है प्रेस ग्रुप वो अपने आप में अनोखा है। और पत्रकारों के हित में जो बात रखी जाती है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी है। पत्रकारों के हित में जो बात रखी जाती है ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है जी। प्रेस ग्रुप की बात करें, प्रेस ग्रुप को 10 वर्ष हो चुके हैं पूरे। मैं भी पहले पत्रकारिता लाइफ में आया, लाइन में आया, तो पहले स्टार्टिंग मैंने कैमरामैन से करी, तो मेरे लिए वो ग्रुप बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी अपडेट होता था पहले प्रेस ग्रुप पे डल जाता था, तो हम लोग तुरंत अपडेट देख के तुरंत पहुंचाते, तो मेरे लिए प्रेस ग्रुप बहुत मायने रखता। वहीं प्रेस ग्रुप की ये चीज़ है कि कोई भी किसी पत्रकार को कोई परेशानी आई या समस्या आई तो सबसे पहले प्रेस ग्रुप पर वो चीज़ डाली जाती थी, यानी बताई जाती थी सभी को, जिससे सभी को मालूम चले और सब उस प्रेस ग्रुप के जरिए पूरे एक होकर उस व्यक्ति की समस्या जो परेशानी उसको सॉल्व करते थे। इतना अच्छा प्रेस ग्रुप माना जाता है जी। बिल्कुल, सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ में पर्सनल जो परेशानियाँ वे भी सॉल्व हो जाती हैं प्रेस ग्रुप में जी। मैं सबसे पहले तो ग्रुप एडमिन आनंद ब्यास जी और नंदू कुतवा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस ग्रुप को चलते हुए पिछले 10 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो करीबन 10 वर्ष चला हुआ है। इस शहर के मतलब पूरे गुना जिले के उसमें पत्रकार जुड़े हुए हैं, खबरों का आदान प्रदान, उससे चाहे जिले की कोने कोने की खबर हो वो उस ग्रुप पर अपडेट हो जाती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे बड़े चैनल वाले होते हैं, क्या वीडियो भी उपलब्ध होते हैं? बिल्कुल, वीडियो फुटेज कंटिन्यूस ग्रुप पे आते रहते हैं और अपडेट भी करते हैं। पर क्या होता है कि जैसे अब यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कोई दुर्घटना हुई, कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अपन 70 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच जाए, तो उस ग्रुप के माध्यम से तत्काल उस पर वीडियो आ जाती है और फोटो आ जाते हैं। ये मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस ग्रुप का जो इस प्रकार से समाज हित में, पत्रकार हित में उपयोग जो किया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं आनंद सिंह लोढ़ा जी की सोच कामयाब हुई और ये एक फिर हमारे लिए परंपरा बन गई है जैसे आज भी हम निभाते चले आ रहे हैं। प्रेस ग्रुप है ना पूरे गुना जिले में, एक सारे जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो,
प्रिंट मीडिया हो या मीडिया के क्षेत्र में किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हो, सबको एकता के सूत्र में बांध के रखा है, सभी को एक बना के रखा हुआ है, एक माला में पिरो के रखा हुआ है और सभी एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में, अच्छे में, सभी अपने अपने विचार साझा करते हैं। कोई भी घटना या इवेंट होता है तो उसकी तत्काल जानकारी भी सभी को मिल जाती है, उसके माध्यम से कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। प्रेस ग्रुप एक सूचनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए एक अच्छा ग्रुप है, इससे न्यूज़ें त्वरित मिलती हैं, उस पर कार्य करने के लिए हमें मौका मिल जाता। इसके साथ साथ प्रेस ग्रुप ने एक नया काम किया है सामाजिक समरसता पत्रकारों के लिए, जैसे हमारे कुछ साथी दिवंगत हुए, उनका वो किया, उनने उनके लिए राशि जुटाई, या जो बीमारी हमें भी कई बार साथ दिया, मेरे स्वयं के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उस समय मुझे काफ़ी दिक्कत आई तो प्रेस ग्रुप के साथियों ने काफ़ी संबल दिया और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस हिसाब से प्रेस ग्रुप एक अच्छा मतलब माध्यम कहा जाएगा पत्रकारों के लिए, और एक पत्रकारों का एक ग्रुप जरूरी था भी। बिल्कुल, पत्रकारों के लिए ग्रुप जरूरी था और कितना जरूरी था, कितना उपयोगी साबित हुआ प्रेस ग्रुप? प्रेस ग्रुप वैसे देखा जाए तो बहुत उपयोगी साबित है, सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ भी कई पत्रकारों की मदद भी की जाती है, एक ऐसा ग्रुप ये बन चुका है। कोरोना काल में भी कई पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई और आगे भी कई पत्रकार होंगे जिनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संकट के समय में ये एक ऐसा ग्रुप है जो काम आता है, अगर किसी पत्रकार पर कोई संकट आ जाता है तो तत्कालीन सभी पत्रकार लोग मिलकर उस पर एक्शन लेते हैं और ये काम करते हैं। हमारा प्रेस ग्रुप को 10 साल हुए थे, प्रेस ग्रुप का निर्माण और नींव हम लोगों ने 10 साल पहले रखी थी। हम आनंद जी राघोगढ़ में थे और हम लोग, मैं भी रोटियाई का था, तो हम लोगों ने एक नींव रखी, सारे पत्रकारों को एक सूत्र में पिरोने का काम हमने किया और इसके माध्यम से हम उन पत्रकारों तक पहुंच पाए जो पत्रकार संपादकों को नहीं जानते थे, जो पत्रकार अपने चीफ रिपोर्टर को नहीं जानते थे, इस माध्यम से वो जानने लगे। हमारा प्रयास बस यही था और आगे भी ये सफलता निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल खबरों का आदान प्रदान नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो साथी की जब जो मदद होनी चाहिए वो मदद हमें इस ग्रुप के माध्यम से मिले। इस ग्रुप की एक खासियत और है जो मैंने और आनंद जी ने और बाकी सब साथियों ने, आपने भी इसका जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है, ये बहुत सराहनीय रही है, क्योंकि हम जब स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होता है। इसी तरीके से ये ग्रुप अगर बनाए और इसके नियम अगर स्वस्थ हैं तो ये हम और आपकी बदौलत है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, प्रेस ग्रुप के आज 10 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, दशहरे के तौर पर आज गादेर गुफा जो है प्राचीन महादेव का मंदिर है, यहाँ पर हम सभी लोगों ने एकत्रीकरण किया और सभी लोगों ने एक दशहरे के तौर पर इस त्यौहार के रूप में हमने प्रेस ग्रुप का कार्यक्रम आयोजित किया। विशेष रूप से हमारे आनंद जी, मोहन जी, प्रदीप जी समेत सभी जो वरिष्ठ जन हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोगों ने इस एकजुटता के साथ में इस प्रेस ग्रुप को एक जब शुरुआत की गई थी आज से 10 वर्ष पहले 5 मई को, जिसके बाद में अब इसका पूरा आज देवर्षि नारद जी की जो जयंती है, जन्मोत्सव है उनका, उसको हम लोग इस उपलक्ष्य में मना भी रहे हैं। उदा में जब व्हाट्सएप शुरू हुआ ही हुआ था तब किसी को ये भी नहीं मालूम था कि ये व्हाट्सएप नामक क्रांति आगे जाकर पत्रकारिता या अन्य सोशल मीडिया में इतना ज़बरदस्त पावरफुल हथियार बनेगी। तब उस समय जब ये ग्रुप आनंद व्यास जी, नंदकिशोर जी ने शुरू किया, तब हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये आगे जाकर हर प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से हमको मदद करेगी, हमारे साथियों को एक दूसरे से सूचनाएं आदान प्रदान करने में सशस्त्र हथियार बनेगी। पत्रकारों के हित इसके इससे आगे बढ़ें और सभी के लिए इस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिले। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन्द्र सिंह के साथ ब्रिज बाग गुना। फोटोग्राफी प्री वेडिंग शूट, कैंडिड फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग शूट, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, एलईडी बॉल, लाइव इवेंट, तो उठाइए अपना फ़ोन नंबर तो डायल कीजिए 9589817381 9981422759। अनुष फोटो स्टूडियो, तो आज ही बुक कराइए।
ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर, आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में बुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, चार लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स। और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक, इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में जरूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र